गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ वरुण गोयल फ्रॉम RPS रायपुर पब्लिक स्कूल, क्लास टू मैथ्स विद चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो इंट्रोडक्शन पार्ट के विच अपने को फर्स्ट टॉपिक आता वा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का अपना ट्रांसपोज करना में। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए बाई इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स जी मैट्रिक्स आपको गिवन होएगी, उस मैट्रिक्स का जो आप रोज़ में कॉलम्स के चेंज कर देंगे या फिर आप कॉलम्स में रोज़ के चेंज कर देंगे, तो वह चेंज करने तो बाद जो मैट्रिक्स मिलती है उन्होंने असं कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये नोटेशन की ने, इनू आप ए डैश के नाल डिनोट करते हैं या फिर आप ए उपर समॉल टी भी कर सकते हैं या फिर आप एपर कैपीटल टी भी यूज़ कर सकते हैं। हूँ इसी डेफिनेशन के उपर बेस कुछ प्रॉपर्टीज़ ने, देखो इफ ए डैश एंड बी डैश बी द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी मैट्रिसिस। अपने को दो मैट्रिक्स गिवन हो ए ते बी, ते ए डैश ते बी डैश की है ना, दोनों मैट्रिक्स से ट्रांसपोज ने। दैन पहली प्रॉपर्टी की है, जे आप ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करांगे तो वह ए मैट्रिक्स बन जूगा अपने को कंप्लीट दोबारा। ठीक है जी, ए प्लस बी ट्रांसपोज जो हुंदा अपने को ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दे इक्वल हुंदा वा। हेयर के इंटू ए होल ट्रांसपोज, जे आप के कोई स्केलर आ, स्केलर नूं आपां ए मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करना वा, तो इनू आपां लिख सकते हैं के इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब की है भी के नूं चाहे पहला मल्टीप्लाई करो चाहे ट्रांसपोज करन तो बाद, के दा ट्रांसपोज नहीं होगा, सिर्फ ए दा ट्रांसपोज होगा। ठीक है जी, क्योंकि के की है एक स्केलर क्वांटिटी है। नैक्सट फोर्थ प्रॉपर्टी अपने को आती है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल का मतलब की हुंदा, रिवर्स करना, दैट इज़ ए इंटू बी दा ट्रांसपोज जो हुंदा वा वो इक्वल हुंदा वा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बेस्ड ऑन अबव थ्योरी, जो आप अबव पढ़िया वा, पहले 6 क्वेश्चन वो उपर बेस्ड आ। सो आप पहली जो अपनी वीडियो चल रही है ये आप फस्ट 6 क्वेश्चन डिस्कस करांगे। सो सी हेयर द फस्ट वन, देखो आ मैट्रिक्स अपन 3 दित्तियां हुई ने, आप इन्हों का की करना वा ट्रांसपोज फाइंड करना। पहली तो ट्रांसपोज आएगा, देखो जो रोज़ वाली एंट्रीज ने वो कॉलम चलिया जाएंगी और जो कॉलम वाली एंट्रीज ने वो रोज़। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फस्ट मैट्रिक्स। सैकेंड का अपने को आंसर की आएगा, देखो रो नू चेंज कर दो कॉलम च, ए वाली रो नू भी की कर दो चेंज कॉलम च, खत्म हो गया क्वेश्चन। इतने थर्ड पार्ट का अपने को आंसर की आएगा, फर्स्ट रो बनेगी अपना फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगी अपना सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो बनेगी अपना थर्ड कॉलम। सो हेयर योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, दिस इज अ 1 mark क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। एक अपन ए मैट्रिक्स गिवन है, एक बी मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट की है, राजे फर्स्ट मैं सॉल्व करूंगा, सेकंड यू हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ। ओके, सो नाउ सोल्यूशन देखो, सब तो पहले आप करते हैं आप लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लैफ्ट हैंड साइड की है ए प्लस बी एंड उसका ट्रांसपोज। नाउ राइट हेयर ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। ठीक है जी, उस तो बाद इतनी एक आप ब्रैकेट यूज़ कर लें भी इन दी एडिशन तो बाद आप करना वा ट्रांसपोज करना वा। सो सी हेयर, नाउ आफ्टर राइटिंग द एलीमेंट्स, वट इज़ ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब आप एलीमेंट्स ऐड करेंगे तो कि होगा -1 -4 दैट इज -5। सिमिलरली बाकी एलीमेंट्स अपने को आएंगे 3 -2 आफ्टरवर्ड्स 6 9 9 -1 4 2। हूँ आप राजी यदा करना वा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करन दा मतलब हूँ मैं पहला भी दस चुका भी रो नू कॉलम ट्रांसफर कर दिए, -5 3 -2 6 9 9 एंड लास्ट वन इज -1 4 2। सो ए सी अपनी लैफ्ट हैंड साइड जो इतने आके अपने को होगी कंप्लीट होगी। नाउ आफ्टरवर्ड्स लैफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करन तो बाद स्टूडेंट्स आप फाइंड करनी है अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अपने को है, पहले अपन ए का ट्रांसपोज चाहिए। देखो राजी ए मैट्रिक्स अपन गिवन है, आप ट्रांसपोज लिखा, फिर अपन चाहिए बी ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स जो भी अपन गिवन है आप ट्रांसपोज लिखा। ट्रांसपोज का मतलब की है रोज कैन बी चेंज इन टू कॉलम्स। सो इतने देखो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड बी ट्रांसपोज की आएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्लियर है जी, ये दो अपने को ट्रांसपोजिज आ गए। नाउ आफ्टरवर्ड्स आप कैलकुलेट करना ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो इन दोनों मैट्रिक्स की जो आप उपर लिखिया ने एडिशन करन तो बाद जो अपने को रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी वो की आएगी अपने को -5 6 -1
394 minus 292. So this will be the answer of your required question number 2. So here your question number 2 is completed, students. Now let us see the third question. Statement of third question is, देखो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान में समझो, ए ट्रांसपोज आप गिवन आ एक बी मैट्रिक्स गिवन आप वेरीफाई करने लिए कह रहे हैं, जो आप प्रीवियस क्वेश्चन दो रिजल्ट पढ़े से उही आप वेरीफाई करने लिए कह रहा वा, ठीक है। यदा मैं सैकेंड पार्ट थोड़ा सॉल्व करके दिखाऊंगा। सब तो पहला प्रॉब्लम की आ, सैकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको इतनी ओनली ए चाहिए है, तो ओनली ए कदों आऊगी आप पता वा भी जी आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए मैट्रिक्स से इक्वल होंगे। ये आप इंट्रोडक्शन पार्ट से पढ़िया वा, इसे वीडियो की स्टार्टिंग दे विच तुसी देख सकते हो दोबारा जाके जे तुहानू नहीं याद। सो नाउ ए ट्रांसपोज गिवन है, मतलब इहदा दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे तो ए मैट्रिक्स आ जूगा। दिस इंप्लाइज ए मैट्रिक्स जो है अपने कोल किहदे इक्वल आएगा। देखो स्टूडेंट्स जिहड़े रोज़ ने उन्होंने कादे च चेंज होना हुंदा, कॉलम्स ने, मतलब ए हो जूगा 3 4 माइनस 1 2 0 1। सो ए बन गई अपनी ए मैट्रिक्स। नाउ सैकेंड पार्ट के लिए स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर जा रहे हैं, आप सॉल्व कर जा रहे हैं पहला ए माइनस बी। वट इज़ ए माइनस बी? पहले आप इतने ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, माइनस आप जो करा मैट्रिक्स बी। सो नाउ वट इज़ द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी? ए माइनस बी जो आप माइनस करा तो सॉल्व करके अपने को माइनस करके आएगा कि 4 - 3 - 1 3 0 माइनस 2। नाउ आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू पुट इट्स ट्रांसपोज। आप पता वा भी हूँ आप फाइंड करना वा ए माइनस बी का ट्रांसपोज, मतलब की है रोज कैन बी चेंजिज इन टू कॉलम्स। वो अपने को रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 4 - 3 - 1 3 0 माइनस 2। दिस इज द ए माइनस बीज ट्रांसपोज। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी विल सॉल्व हेयर राइट हैंड साइड। सॉरी, नाउ राइट हैंड साइड इज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स ए ट्रांसपोज तो अपने को ऑलरेडी कैलकुलेटेड ही है, ठीक है जी। माइनस बी ट्रांसपोज अपने को आएगा, एवरी रो इज चेंज इन टू कॉलम, -1 2 1 1 2 3 एंड ए मैट्रिक्स अपने को ऑलरेडी गिवन है 3 1 0 4 2 1। इन दोनों की सबट्रैक्शन तो बाद जो अपने को मैट्रिक्स आएगी दैट मैट्रिक्स इज 4 3 - 3 0 - 1 - 2। दिस विल बी द आंसर। क्लीयरली स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड भी देख सकते हो तो राइट हैंड साइड भी देख सकते हो, दोनों इक्वल आ गई। हेयर योर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। सो द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स भी गिवन आप ए प्लस 2b का ट्रांसपोज आप फाइंड करना। स्टूडेंट्स आप पता वा भी जो ए मैट्रिक्स आनू लैके आने के लिए अपन की करना पैना ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज। जो आप ट्रांसपोज करा ट्रांसपोज करने तो बाद आएगा -2 3 1 2। इन्ना क्लीयर है? सो ए मैट्रिक्स ऑबटेन्ड होगी अपने को। नाउ आप फाइंड करना वा ए प्लस 2b, इट विल बी इक्वल्स टू ए तो अपने को सेम आ दिस वन प्लस 2b, मतलब की है बी के हर एक एलीमेंट नू 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे आप, इट विल बी लाइक दिस वन। इन्हों दोनों आप एड कर दें, एड करने तो बाद जो मैट्रिक्स आ रही है अपने को दिस विल बी -2 - 2 - 4 1 + 0 1 3 + 2 5 and 2 + 4 = 6, ठीक है जी। तो ए प्लस 2b अपने को आ चुके हैं। सो आफ्टरवर्ड्स हूँ आप फाइंड करना यदा ट्रांसपोज, इतने भी ट्रांसपोज साइन कर दें आप। सो इतने ब्रैकेट यूज़ करके एक ट्रांसपोज यूज़ कर लो, ट्रांसपोज साइन यूज़ करने बाद आएगा -4 1 5 and 6। सो हेयर योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अपन पता है रिवर्सल लॉ आ, इनू आप प्रूव करना वा। देखो राजी फिफ्थ क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हैं, फर्स्ट पार्ट यू हैव टू डू बाय योर ओन सैल्फ। सैकेंड पार्ट सॉल्व करने तो पहले आप मल्टीप्लाई ता करते होंगे जी अपनी एक प्रॉपर्टी थोड़ी याद हो, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। फस्ट मैट्रिक्स के जिन्हें कॉलम आ सैकेंड मैट्रिक्स जिन्हिया रोज ने वो आपस के इक्वल होने चाहिए ने, ता ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो देखो राजी यदा ऑर्डर किन्ना है, ये R1 R2 R3 तीन रोज ने, कॉलम की है C1, मतलब यदा ऑर्डर है वह 3 × 1, यदा ऑर्डर है अपने को 3 × 1, यदा ऑर्डर अपने को किन्ना 1 × 3। हूँ ये नंबर ऑफ कॉलम्स किन्ने ने 1, तो ये नंबर ऑफ रोज़ किनिया ने 1, दोनों सेम ने, दैट मीनस आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा मैं तुम्हें दस्या सी भी यदा फस्ट एलीमेंट तो वह लास्ट एलीमेंट ये आप चैक करते हूँ आप प्रीवियस क्वेश्चन भी कर चुके हैं मतलब जो अपने को आंसर आएगा दिस विल बी अ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स. सो स्टूडेंट्स मैं हम सॉल्व नहीं करूँगा मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन का आंसर लिखूंगा इतने. सो सी द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इट विल बी 0 0 0 1 5 7 2 10 and 14 afterwards. हूँ राजी ए आ गया अपने को ए बी हूँ आप करना की है ए बी का ट्रांसपोज मतलब कि यदा ट्रांसपोज इतने भी साइन ट्रांसपोज आएगा तो ट्रांसपोज आप किमें करते आ रहे हैं रोज आर चेंजिज इन टू कॉलम्स. सो इतने आके ए बी का ट्रांसपोज फाइंड कर चुके हो ना हूँ थोड़ा नैक्सट काम की आ तुसी पहला बी का ट्रांसपोज फाइंड करोगे फिर ए का ट्रांसपोज फाइंड करोगे बी का ट्रांसपोज फाइंड कर ले ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया फिर उन्होंने मल्टीप्लाई करोगे तो शो करोगे भी वो ये इक्वल आ भी रहा या नहीं आ रहा. ठीक है वेरीफाई करना आप. सो देखते हैं स्टेटमेंट में आप ए ट्रांसपोज पहले ही गिवन से बी ट्रांसपोज आप फाइंड कर लिया हूँ तुम इस ध्यान देख सकते हो भी अपने को इस नंबर ऑफ कॉलम्स किन्ने ने 3 तो इस नंबर ऑफ रोज कि 3 दैट मीनस मल्टीप्लाई की है अपनी पॉसीबल है. सो आप ऑर्डर लिख लीए पहला ऑर्डर की है वो देखो रोज इंटू कॉलम्स. सो अपने को आ रहा है ऑर्डर रोज इंटू कॉलम्स इतने अपने को आ रहा है रोज इंटू कॉलम्स कॉलम अपने को इतने एक है. सो नाउ लेट अस सी स्टूडेंट्स व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वट वी हैव टू डू हेयर पहले तो आप देखो भी आप करना की है आप करना वा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मतलब आप एक तरह न 3x1 की मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कर रहे हैं 1x3 की मैट्रिक्स के नाम. ठीक है जी पहला मतलब जो अपने को आंसर आएगा वो 3x3 ऑर्डर का आएगा मल्टीप्लाई करने बाद भी. सो जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी 0 0 0 1 5 7 2 10 14. जेकर थोनू हजे भी मल्टीप्लीकेशन करन दे विच मैट्रिक्स की कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कमेंट मी यू कैन आस्क मी अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन सेल्फ. ठीक है जी नाउ सी द 6th क्वेश्चन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. ठीक है जी हूँ आप फाइंड करना वा ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई है या नहीं है. ठीक है ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करिए पहला आप देखो ए ट्रांसपोज की आएगा अपने को साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा ये आप प्रोडक्ट करनी है ए दी ए अपने को दिती हुई है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब की है अपने को इतने 1 0 0 1 आना चाहिए अपना 2x2 ऑर्डर का चेक कर लेने साइन इंटू साइन कि आएगा साइन स्केयर अल्फा माइनस कॉस इंटू माइनस कॉस अल्फा दैट इज प्लस कॉस स्केयर अल्फा. हूँ देखो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आएगा इतने साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा फिर अगेन माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा आफ्टरवर्ड्स हूँ आप सैकेंड की गल कर लें साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आफ्टरवर्ड्स अगेन कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा. सो क्लीयर कट है स्टूडेंट्स आ कैंसल हो रही है ने टर्म्स अपने को साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा 1 होंगे. सो वी विल गेट हेयर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो हेयर योर 6 क्वेश्चन आर कंप्लीटेड थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे.